ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने नई नई कार खरीदी और नया नया ड्राइविंग भी सीखा, बट उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो मार्केट में निकलते थे, बड़ी नजदीक नजदीक से गाड़ियां गुजरती थी और उन्हें ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मेरे पास आए अपनी समस्या लेकर के कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ड्राइव करने में, क्या करूं कैसे करूं, लोग एकदम पास से चिपका चिपका करके अपनी कारें लेके जाते हैं, तो मैं कैसे चलाऊं, मैं कैसे अपने आपको और बेहतर बनाऊं कार ड्राइविंग में। तो मैंने उनको कहा, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं हम लोग और नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं और यही तो हमारा काम है, बेसिकली हमारा काम ही यही है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी कार के पीछे एल लगा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एल लगाना मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे थोड़ा संकोच फील होता है कि मैं मतलब एल लगाऊं कि अभी तक मैं सीख रहा हूं। तो मैंने देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के लोग अगेन हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं और लोगों को मोटिवेट करने में हम बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। तो मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने कहा शर्म वाली जैसी कोई चीज नहीं होती, जितने भी कामयाब लोग होते हैं सफल लोग होते हैं वो शर्म नहीं करते, वो परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या बोलेगी, और दो तीन दिन चार दिन आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे और आपको लगाना कितना दिन है, आप 3 हफ्ते में आप निकाल दीजिए, तब तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे चलाने में। उन्होंने कहा ठीक है, वो गए और उन्होंने एल लगा भी लिया, मेरी सलाह मान ली, और वो 3 हफ्ते की बात हुई थी, अभी 3 साल हो गए हैं बट उन्होंने अभी तक वो एल निकाला नहीं है। तो मैंने एक दिन उनको रोका, मैंने कहा भाई ये एल अभी तक आपने क्यों नहीं निकाला, अब तो निकाल दीजिए, 3 साल हो गए, आप तो बहुत अच्छा चलाना सीख चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 अभी मैं एक नई कार और लेने वाला हूं, फॉर्च्यूनर लेने वाला हूं, और उसके पीछे भी ये एल मैं यूं ही लगा करके चलाऊंगा क्योंकि मुझे अब इसमें मजा आने लगा है, मैं अभी इसको लाइफ टाइम कभी नहीं निकालने वाला। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी, अब आप एल पहले लगाना नहीं चाहते थे, अब आप निकालने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा कि सर शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, थोड़ा सा लगा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन एक बार लगा करके जब मैंने देखा तो मुझे ड्राइविंग में बड़ा मजा आने लगा। पहले मैं लोगों को देख करके बच बच के चलाता था कि कहीं कोई ठोक ना दे, कहीं कोई ठोक ना दे, लोग बाजू बाजू से निकल जाते थे, मैं बड़ा परेशान रहता था। और जिस दिन से मैंने एल लगाया है मुझे लोगों को देख के बचना नहीं पड़ता, लोग मुझे देख के बचते हैं, मेरे जाने से पहले लोग रास्ता खाली कर देते हैं कि भैया एल लगा हुआ है गाड़ी के पीछे थोड़ा बच के निकल लो, और मुझे पूरा रोड पूरी रोड खाली मिलती है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ड्राइव करने में, मैं जिंदगी भर इसको निकालने वाला नहीं हूं। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपकी कार के पीछे एल लगाने की बात मैं नहीं कहूंगा, बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने पीछे आप एल जरूर लगा लीजिए। हाँ, एल में फिजिकल फॉर्मेट में एल लगाने की बात नहीं कर रहा कि कल से आप रेडियम से एल कटवाकर पीछे लगा के घूमेंगे, सचिन अग्रवाल ने अपनी ट्रेनिंग में अपने वीडियो में बताया था। मैं आपको एक मेंटल एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि आपको लर्निंग मोड पे आना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड पे आना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं। अलग अलग फील्ड से लोग यहां पर आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं पूरे भारत में घूमता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग इस बिजनेस में आते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड में कामयाब हैं, और जब वो आरसीएम बिजनेस में आते हैं और यहां पर उनको यह बताया जाता है कि इसको आपको सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उनका ईगो सामने आ जाता है कि हम तो एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हम एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, हमें बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमें इसको सीखना पड़ेगा, अरे हम तो ऐसे ही कर लेंगे। नहीं सर, आपको इसे और सीखने में ही मजा है और सीखने में ही कामयाबी है, और हर नया काम आपको सीखना ही पड़ेगा। एक कामयाब डॉक्टर अगर उसे मकान बनाना है तो इंजीनियर की मदद लेनी पड़ेगी, एक कामयाब इंजीनियर अगर उसको इलाज करवाना है तो कामयाब डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको सीखना पड़ेगा और इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत लेजेंड पर्सनालिटी हुए स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है बट उनकी बहुत सारी ऑडियोज हमारे हमें गिफ्ट के रूप में मिली हुई है जिससे आप भी सीख सकते हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि मुझे अगर कोई उपलब्धि चाहिए कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में याद करें, तो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में याद करें, कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी भर सीखता रहा।
आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने कामयाबी के इतने कीर्तिमान स्थापित किए, अगर उसे अपने आप को स्टूडेंट कहलवाने में कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। हमें भी सीखना चाहिए, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सीखना चाहिए, लर्निंग मोड पे रहना चाहिए हमेशा। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और अगर आप किसी लेवल पर आ गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो भी आपकी कंपनी का पिन लेवल होता है, आप आ गए हैं, आप 25-50 हजार, 1-2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने का कमाने लगे हैं, कुछ लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, लोग आपके साथ ऑटोग्राफ आपका लेने लगे हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने लगे हैं, लोग आपका टाइम लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है इस बिजनेस में, पैसों के साथ साथ ईगो अपने आप से आती है। मतलब आदमी को ये लगने लग जाता है कि अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतना सम्मान मिल रहा है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैं इतनी कामयाबी ले लिया, इतनी बड़ी टीम मेरी बन गई है, तो अब शायद मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं रही। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आपकी कामयाबी वहीं पर रुक जाएगी। जो भी पिन आपने अचीव की है वो पिन चिपक जाएगी आप पर, उसके बाद आप उस पिन को बदल नहीं पाएंगे, आप बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हमेशा एल लगा के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम ये एल लगे रहने दीजिए। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, धीरू भाई अंबानी, वो जिंदगी भर सीखते रहे, वो अंतिम सांस तक ये बोलते रहे, मुझे कुछ नहीं आता मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे सिखाओ, और जब इस दुनिया से गए तो 64,500 करोड़ का साम्राज्य छोड़कर गए। जितने भी अभी कामयाब लोग आपके सामने हैं, बिल गेट्स हैं, वो आज भी हर दिन किताब पढ़ते हैं। अगर वॉरेन बफेट की बात करें, आज भी वो हर दिन 4 घंटे किताब पढ़ते हैं। तो बड़े बड़े कामयाब लोग अगर किताबें पढ़ रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं, तो हमें सीखने में क्या दिक्कत है। देखिए, ईगो से जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलती, और नेटवर्क मार्केटिंग में खबरदार रहना, समझदार रहना, आप होशियार रहना कि यहां पर कामयाबी के साथ ईगो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, एज ए गिफ्ट मिलता है, भर भर के मिलता है, किलो के हिसाब से मिलता है। जैसे जैसे पिन का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आपको सम्मान देने लगेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर ईगो आने लगेगा, ऑटोमेटिक, इट इज बाय डिफॉल्ट, ये आएगा ही आएगा। ये तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, और जब भी कुछ ऐसा आने लगे तो आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मुझे विनम्र रहना है, मुझे सीखते रहना है, ये एल मैंने इसीलिए लगा के रखा है कि मुझे जिंदगी भर एक अच्छा स्टूडेंट बने रहना है, क्योंकि मुझे जिंदगी भर आगे बढ़ते रहना है, अगले से अगले लेवल पे जाते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं कहीं आपके काम आ रहा हूं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप बड़ी तारीफें करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और डेल कार्नेगी की अपनी किताब लोक व्यवहार में बोलते हैं कि तारीफ हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, आप चाहे किसी बड़े से बड़े सफल कामयाब से कामयाब व्यक्ति की भी अगर तारीफ करें, वो सामने भले ही विनम्रता से आपको ये कह दे कि भाई ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक अंदर से अच्छा फील तो होता ही है। तो आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से मैं उन सवालों के ऊपर का जवाब दूं आपको, सवालों के ऊपर वीडियो बनाऊं, और बहुत जल्दी मैं एक लाइव सेशन भी करूंगा जिसमें कि आप मुझे जो भी सवाल पूछेंगे मैं लाइव होकर के उसका आंसर आपको तुरंत देने का प्रयास करूंगा। जो कुछ भी मैंने पिछले 17 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सीखा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस जानकारी का फायदा आप लोगों तक लेकर जाऊं। मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में आने वाला हर व्यक्ति कामयाब हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक आखिरी उम्मीद है कि आम आदमी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आकर के फेल नहीं होना चाहिए, यह मेरा मकसद है, यह मेरा टारगेट है। आप भी कामयाब हो, यह मेरी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आप तक जरूर पहुंचे। आप लोगों के प्रोत्साहन से ही हमारा उत्साह और बढ़ रहा है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें आपके बीच में लेकर आऊं, वो सारी नॉलेज लेकर आऊं जिस नॉलेज से मुझे कामयाबी मिली और जिस नॉलेज से आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। दुनिया आपका इंतजार कर रही है, वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड विन द वर्ल्ड। थैंक यू।